जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत छोटी सी वीडियो आपके सामने दे रहा हूँ। शायद हो सकता है मैंने इससे छोटी वीडियो दी भी ना हो, लेकिन एक मैं बहुत आपको बहुत ही सुंदर सा उपाय बताऊंगा और बहुत जबरदस्त उपाय है। और मेरा क्या ये आजमाया हुआ उपाय है, ये मैं आपको पहले कन्फर्म कर देता हूँ, ठीक है? कि अगर आपको अपने घर के अंदर शुभता लानी है, शुभता का मतलब कि लक्ष्मी का आवागमन हो, लक्ष्मी आपके घर के अंदर प्रवेश करे। अब जब लक्ष्मी आपके घर के अंदर प्रवेश करेगी तो तभी तो आपको रुपए पैसे व्यापार इन सब चीजों में सफलता मिलेगी। और जब सफलता मिलेगी तो आपके पास धन भी आएगा, ठीक है? और हर कोई व्यक्ति चाहता है कि भाई मुझे धन की प्राप्ति हो, ये तो सभी चाहते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे कि हमारे अंदर जो घर के अंदर लक्ष्मी आए और अपार लक्ष्मी आए, एक छोटी मोटी की बात नहीं कर रहा हूं कि अपार आए, ऐसा कौन सा नियम हमें करना चाहिए, आज मैं उसी नियम के बारे में आपसे बात करूंगा। और देखिए, छोटा सा नियम है, कोई ज्यादा बड़ा भी नहीं है कि भाई आपको बहुत बड़ी कोई ऐसी साधना करनी है। कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार का आपको कोई नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको एक ही कार्य करना है बस, और वो कार्य होगा सुबह के टाइम। ये आप अपना नियम बना लें, बस आप अपना नियम बना के रखिए। और ये घर की स्त्रियों को करना है। अगर आप चाहते हैं कि अगर स्त्रियां करें तो बहुत अच्छी बात है, अगर स्त्री नहीं करती हैं घर में, भाई कुछ ऐसा भी तो हो सकता है कि घर में स्त्री ना हो, शादी ना हुई हो, या फिर उसके स्त्री छोड़ करके चली गई है, या फिर स्त्री का स्वर्गवास हो गया है, ऐसा भी तो हो सकता है, या फिर किसी के पुरुष का स्वर्गवास हो गया है, या फिर पुरुष छोड़ करके चला गया है। ऐसी स्थिति में जो भी घर का मेन मुखिया आदमी है, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, वो उसको करना चाहिए। अब क्या करेंगे कि एक सुबह के टाइम उठना है आपको, और सुबह के टाइम सूर्य उदय से पहले, ये नहीं कि आप सूर्य उदय होने के बाद उठें, सूर्य उदय नहीं होना चाहिए, उससे पहले ही आपको उठ जाना है। और उठ करके एक लोटा जल लें, साफ स्वच्छ लोटा हो, और जल लेकर के अपना गेट खोलें। मेन जो दरवाजा है आपके घर का, जहां मतलब जो मेन गेट होता है ना, जो एंट्री गेट होता है घर के अंदर एंट्री करने का मेन दरवाजा जो होता है, उसको खोलें। ये उठते ही करना है आपको काम। ऐसा नहीं है कि आप लैट्रिन पेशाब करेंगे तभी करेंगे, नहीं, बिना लैट्रिन पेशाब करे हुए उठ करके आपको बाहर आना है, गेट खोलना है, और गेट खोल करके एक लोटा जल बाहर अपने दरवाजे के मतलब गेट के सामने ही आगे की तरफ फेंक देना है, एक लोटा जल, जिससे कि हमारे जो घर में घर जो घुसने का जो रास्ता है उस पर पानी से वो धुल जाए, ऐसा करें। और अपने जो गेट हैं उन पर भी थोड़ा थोड़ा, अगर क्योंकि कई बार तो गेट वैसे होते हैं ना लोहे के, तो वो छोड़िए, लेकिन आपके जो घर में घुसने का मेन दरवाजा है वो धुल जाए, उस पर पानी पड़ जाए बस, और उस पर पानी डाल के वहीं से पीछे हट जाइए। और ये आपको प्रतिदिन करना है, अपने जीवन में गांठ बांध लो कि ये तो हमें रोज करना ही है। इससे क्या होगा कि लक्ष्मी वहां पर आती है जहां पर साफ स्वच्छता होती है, और लक्ष्मी के लिए आपने पहले ही साफ स्वच्छ कर दिया, एक लोटा जल डाल करके कह दिया कि माता मैंने ये आपका रास्ता को पानी से धुल दिया है, आइए आप, तो सुबह के वक्त में लक्ष्मी प्रवेश करती है। उस वक्त में सूर्य उदय होने से पहले होना चाहिए, पर ये जब हल्का हल्का सूर्य उदय होता है, हल्का हल्का दिन निकलना शुरू होता है तब, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखें, घर की तो जो माता बहनें होती हैं वो उस वक्त में उठ जाती हैं, ठीक है? तो ये नियम अपना लो, और इस नियम को तोड़ना नहीं है, ये तो आप अपने जीवन में अपना ही लो। दर देखना, कुछ दिन करके तो देखो, एकदम तो होता नहीं है देखो कुछ भी, सीधी सी बात है। आप कहने लगो एक दिन, 10 दिन, 11 दिन, 21 दिन लोटा ढालो और हमारे जो है बैंक बैलेंस भर जाए, तो भैया फिर कहीं दूसरी जगह देखना, मेरे पास तो है नहीं ऐसी विद्या, ठीक है?
तो आप इस चीज को करना, लगातार करते रहना, फिर देखना आप धीरे 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 करके आप चढ़ जाओगे ऊंचाइयां, माता का आगमन हो जाएगा, घर में प्रवेश हो जाएगा और लक्ष्मी बरसने लगेगी। इसी के साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।